नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, स्वागत है आपका हमारे चैनल दावाजीट्यूट में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक हिंदी के समास में। आज हम सीखेंगे कि समास को कैसे पहचाने और समास विक्रय कैसे करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है समास। समास किसे कहते हैं, बात आती है समास किसे कहते हैं। तो समास कहते हैं कि नहीं जब दो शब्द, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, यानी जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास आपके कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहली बात आती है जो समास होते हैं आपके, वो होते हैं आपके छह प्रकार के। नंबर एक आता है आपका अव्ययी भाव समास। नंबर एक आता है आपका अव्ययी भाव समास। अब बात आती है अव्ययी भाव समास कहते कैसे हैं। अव्ययी भाव समास, इस समास का पहला पद, इस समास का पहला पद प्रधान होता है। इस समास का जो पहला पद होता है वो कैसा होता है, प्रधान होता है, यानी पहला पद जो होता है वो मुख्य होता है। सीधी सी बात, जैसे लिखा हुआ है जन, अब जन मीन्स क्या होता है, जिंदगी यानी लाइफ। अब जैसे ही इसके आगे आ शब्द जुड़ा, जैसे ही क्या जुड़ा, आ जुड़ा, तो वहां पर क्या हो गया, आजन, और आजन मीन्स होता है जीवन भर। आ के जुड़ने से, यानी पहले शब्द के जुड़ने से यहां पर पूरा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वहां पर समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब बात आती है पहचान, इसकी पहचान कैसे करेंगे, अनु, प्रति, आ, भर, यथा, यावत आदि। अगर ये शब्द किसी भी शब्द के अगर आगे जुड़े हैं तो वहां पे समास होगा आपका अव्ययी भाव समास। अनु, प्रति, आ, भर, यथा, आवत, जैसे अनुकूल, अनुरूप, ठीक है, प्रतिकूल, आजन, भरपेट, यथागत। अगर ये शब्द आ रहे हैं तो आपने देखा होगा सभी के आगे उपसर्ग आ रहा है। सीधी बात, जहां भी उपसर्ग आए वहां पर समास कौन सा हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ठीक है, अच्छे से पहचान लिए। अब नेक्स्ट नंबर दूसरा बात करेंगे हम, नंबर दूसरा जो होता है वो होता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास में क्या होता है, इस समास का पहला पद, सॉरी, इस समास का उत्तर पद या फिर वाद पद प्रधान होता है। यानी सीधी सी बात है, जिस समास का बाद का पद यानी उत्तर पद अगर प्रधान हो तो वहां पे समास कौन सा हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास। और पहचान क्या होती है, विग्रह करने पर अगर कारक चिन्ह बीच में आ रहे हैं तो वहां पे समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे, जैसे लिखा है चीड़ी मार, अब विग्रह करेंगे उसका क्या हो जाता है, चिड़ियों को मारने वाला। अब देखो चिड़ियों मारने वाला, चिड़ियों और मारने वाले के बीच में जो लिखा है वो क्या आ रहा है, को क्या है, कर्म को, यानी कारक, यानी विभक्ति चिन्ह अगर बीच में आए, सीधी बात है जब भी व्यक्ति चिन्ह विग्रह करने पर व्यक्ति चिन्ह बीच में आए तो वहां पे समास हो जाता है आपका तत्पुरुष। अब जैसे लिखा है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। अब यहां पे गगन भी आकाश होता है, चूमने वाला अलग हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, को आ रहा है, तो यहां भी समास कौन सा हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। सीधी सी बात है, जहां भी विग्रह करने पर अगर कारक चिन्ह बीच में आ रहे हैं तो वहां पे आपका समास हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब नंबर बात करेंगे, नंबर तीसरा होता है आपका
कर्म उधार है समास, इसकी पहचान क्या होती है? कर्मधार समास की ऐसे कैसे पहचानेंगे? इस समास का पहला पद विशेषण और अन्य पद कैसे होते हैं? विशेष्य होते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण हो और अन्य पद विशेष्य हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है जिस समास का पहला पद विशेष्य हो अन्य पद विशेषण हो, वहां पर समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। या दोनों पद ही विशेषण हो सकते हैं, या फिर दोनों पद विशेष भी हो सकते हैं, तब भी समास वहां पर कर्मधारय ही होगा। जैसे नील गगन, अब यहां पे विग्रह करेंगे, नीला है जो गगन, यानी गगन तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है? वो नीला है। यहां पे पहला पद कैसा आ रहा है? विशेषण है, पहला पद विशेषण है, इसका मतलब वहां पे समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। दूसरा है लाल मणि, अब यहां पे मणि तो है लेकिन कैसी है? लाल है, तो यहां पे समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। या सीधे चरण कमल या मृग नयन, सीधी सवाल आ रहा है मृग नयन, यानी नयन तो है लेकिन किसके समान है? मृग के समान है, तो समास कौन सा हो जाएगा वहां पे? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो सीधी सवाल होती है कर्मधारय समास में क्या होता है? जिस समास का पहला पद विशेषण हो और अन्य पद विशेष हो वहां पे समास कौन सा होता है आपका? कर्मधारय समास होता है। नंबर चार हम बात करेंगे आपके, नंबर चार होता है आपका द्विगु समास। इसमें क्या होता है? इस समास का पहला पद जो होता है वो कैसा होता है? संख्यावाचक, यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वहां पे समास कौन सा हो जाता है? द्विगु समास। जैसे दो पह, अब इसमें पहला पद क्या आ रहा है? दो, यानी पह। नेक्स्ट है त्रिभुवन, त्रिमिस्ती। नेक्स्ट है चौराहा, चौमीस चार, यानी आपने देखा हुआ हर एक शब्द में पहला जो पद है वो कैसा आ रहा है? संख्यावाचक आ रहा है। अगर पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां पे समास कौन सा हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर पांच होता है आपका द्वंद्व समास। इसकी पहचान कैसे होती है? पहचान क्या होती है? इस समास के दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं, और दोनों ही पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और दोनों ही पद कैसे होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वहां पर समास कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। जैसे लिखा है पाप पुण्य, अब आपने देखा होगा पाप का भी अस्तित्व होता है, पाप का भी अर्थ होता है और पुण्य का भी अर्थ होता है, यानी दोनों ही पद कैसे प्रधान है और दोनों ही पदों के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है, और विग्रह करेंगे तो क्या आता है? और या अथवा, अगर ये शब्द भी आ रहे हैं तो वहां पे समास कौन सा हो जाता है? द्वंद्व, और दोनों के दोनों ही एक दूसरे कैसे हैं? विपरीत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं नदी नाले, अब विग्रह करेंगे नदी और नाले, और एक दूसरे के विपरीत भी हैं और योजक चिन्ह भी बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता है और भी है। अच्छा एक बात बताइए, नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे लिखा है पल पल, अब यहां पर कौन सा समास होगा? पल पल में यहां पर समास आपका, आपने देखा होगा यहां पे योजक चिन्ह भी आ रहा है, तो यहां पे समास आपका अव्ययीभाव होगा, तत्पुरुष समास, सॉरी द्वंद्व समास नहीं होगा। कौन सा होगा? अव्ययीभाव। क्यों होगा? जब भी एक जैसे वर्ड अगर हो बेसर योजक चिन्ह लगा हो तो वहां पे समास कौन सा हो जाएगा आपका? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं नंबर छह होता है आपका बहुव्रीहि समास। इसकी पहचान क्या होती है? इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जी हाँ, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तथा समस्त पद मिलकर किसी तीसरे को विशेष्य बना देते हैं, तथा समस्त पद जो होते हैं मिलकर किसी तीसरे को विशेष्य बना देते हैं। जैसे लंबोदर, अब विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, यानी किसी तीसरे को विशेष बना रहा है। किसे बना रहा है? गणेश को, तो यहां पे क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है चंद्रशेखर,
यानी चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान चंद्रमा के शिखर पर है भगवान शंकर के। तो यहाँ पे समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। आशा करते हैं आपको ये समास समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। समास, सबसे पहले बात करते हैं समास कैसे कहते हैं। समास जहां दो शब्दों का विकार हो, मिलने से जो विकार हो, वहां पे समास कौन सा होता है? समास हो जाएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास आपके छह प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है आपका अव्यय भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा समास होता है आपका कर्मधारय, और चौथा समास होता है आपका द्विगु, पांचवा समास द्वंद, और छठवां आपका होता है बहुव्रीहि समास। हाँ, फिर से रिवीजन करते हैं। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? इस समास का पहला पद कैसा होता है? प्रधान होता है। यानी जिस समास का पहला पद प्रधान हो, वहां पे समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव। दूसरा समास है आपका तत्पुरुष, यानी जिस समास का उत्तर पद या बाद का जो पद है वो प्रधान हो, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। और विग्रह करने पर कारक चिन्ह बीच में आते हैं, ये इसकी पहचान होती है। कर्मधारय समास नेक्स्ट नंबर तीसरा है। कर्मधारय में क्या होता है? इस समास का पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, और अन्य पद कैसे होते हैं? विशेष्य होते हैं। यहाँ पर समास आपका कर्मधारय होता है। द्विगु समास में क्या होता है? इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, अगर पहला पद संख्यावाचक हो जाए समास का, वहां पे समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। और नंबर तीसरा आता है आपका द्वंद्व समास। इस समास में क्या होता है? इस समास का दोनों ही पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, और विग्रह करने पर और अथवा या बीच में आते हैं, और कारक जो चिन्ह सॉरी और जो योजक चिन्ह होता है इन दोनों के बीच में आता है, ये पहचान होती है। दूसरी पहचान एक और होती है, दोनों ही एक दूसरे के कैसे होते हैं? शब्द विपरीत होते हैं, वहां पर भी समास कौन सा हो जाता है? द्वंद समास होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इस समास के सभी पद जो होते प्रधान नहीं होते हैं तथा किसी अन्य को विशेष बना देते हैं, तीसरे को किसी विशेष बना देते हैं, वहां पे समास आपका बहुव्रीहि होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।